हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका KVSRO दिल्ली लाइव सीनियर सेकेंडरी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, दोनों जगह। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर अजय कुमार गिरी। और आपकी आज की क्लास है क्लास 11 सेट्स, चैप्टर वन चल रहा है हमारा। और चैप्टर वन में आज का टॉपिक है 1.8, पॉइंट नंबर 8, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम शुरू करने से पहले जरा एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने दीजिए, सभी को आने दीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आएँ। हम लोग इस समय एक मिनट के अंदर हम फटाफट इसका रिवीजन कर रहे हैं, एक से दो मिनट के अंदर। और मैं देखता हूँ कि कितने लोग इस समय ज्वाइन कर पा रहे हैं। अभी मेरे पास इसका फीड नहीं आया है, हाँ नहीं आया अभी, देखिए शायद आने वाला है। देखें स्टूडेंट्स, 23 वॉज वॉचिंग, 23 स्टूडेंट्स आ गए हैं। कम ऑन स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और रिवीजन स्टूडेंट देखें, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स रिवीजन से स्टार्ट करते हैं आपका। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पहले तीन लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ा है उसकी बात करें। 1.1, 1.1 में क्या था, सेट्स की डेफिनेशन। सेट होता क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो सेट है। कोई भी लिस्ट, कोई भी कलेक्शन सेट होगा अगर वो वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। तो देखें नेक्स्ट क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया था दो तरीके से। पहला आपका था, किसी का कमेंट्स नहीं आ रहा है और मैं आपको देख पा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हाँ अरुण पाल, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कुमार मौर्य, अर्णव, मैं आप सभी को देख पा रहा हूं, प्रियंका, अरुण पाल, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं सेट्स की डेफिनेशन। हमारा रिवीजन, पहले रिवीजन, उसके बाद में आज का टॉपिक हमारा वेन डायग्राम। रिवीजन में देखें, सेट्स क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अगर टर्म्स यहाँ पर था वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट था। अगर कोई भी कलेक्शन, कोई भी लिस्ट अगर वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं सेट। सेट्स को ओपन करने के दो तरीके हैं। अगर नंबर जो दे रखे हैं उसको ऐसी लिस्ट बनाकर रख दिया जाए तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है सेट्स को। लेकिन कई बार रोस्टर फॉर्म में लिखने में दिक्कत आती है, जैसे क्लास की बच्चों के नाम आपको लिख रहे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 नाम लिखने पड़ेंगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो वहाँ एक प्रॉपर्टी का यूज करके हम सेट्स को दूसरे तरीके से लिखते हैं, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ कम ऑन स्टूडेंट, वेरी गुड, 36, 37, 38, जल्दी जल्दी आए फटाफट। तो सेट्स को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ सेट्स। हमने पांच तरह के टाइप्स देखे थे, कौन से थे हमारे। पहला टाइप हमारा कौन सा था, फर्स्ट टाइप था एम्प्टी सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, एम्प्टी सेट। हार्दिक गुलाटी, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, वेरी गुड, टाइप्स ऑफ सेट्स में आपने बात की है। रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स का आंसर दिया है, आंसर देना शुरू कर दिया है गुलाटी, गुड। सभी एक्टिव हैं स्टूडेंट्स, 42 स्टूडेंट, जल्दी से देखें हमारा होगा टाइप्स ऑफ सेट्स में पांच डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं। पहला हमारा है एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कि कोई एलिमेंट ना हो, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर किसी में एलिमेंट्स ही नहीं है तो सेट किस बात का होता है। कई बार इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को दिखाने वाला सेट्स भी हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। जो इम्पॉसिबल, एक सेट ले लिया जिसमें दे दिया हमने नेचुरल नंबर है, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं, लिखा हुआ है ऐसे सेट्स के अंदर प्रॉपर्टी के फॉर्म में। लेकिन 2 से बड़े, 3 और 3 से छोटे नेचुरल नंबर कोई नहीं होते, तो सेट में कुछ नहीं आएगा, उसको किससे डिनोट करते हैं, 5 से। दूसरा हमारा टाइप क्या था इसके अंदर, अगर एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन, नल सेट, एम्प्टी सेट, वेरी गुड, हाँ यूनिवर्सल सेट, पायल, सभी लोग चल गए, सिंगलटन सेट। दूसरा हमारा, देखो बच्चे भी आंसर देना शुरू कर दिया, तृप्ति, सिंगलटन सेट। दूसरा टाइप हमारा था सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट कौन सा, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट, जिसमें कोई नहीं हो वो एम्प्टी सेट। और तीसरा हमारा टाइप था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, मैं आपको देख पा रहा हूँ, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस फाइनाइट सेट्स के अंदर हमने
एम्प्टी सेट्स को भी रखा है। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है लेकिन वो भी फाइनाइट सेट है। इसमें ध्यान रखना, फाई एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। और बाकी तो आपको पता लग जाता है, ए सेट में फाइव एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइट सेट है, सिक्स एलिमेंट है फाइनाइट सेट है, हज़ार एलिमेंट है फाइनाइट सेट है, और काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट एलिमेंट्स है किसी सेट्स के अंदर तो इनफाइनाइट सेट्स। आगे चले, इक्विवेलेंट सेट, बिल्कुल अच्छा, मुझसे आगे पहुंच गए स्टूडेंट्स। आगे चले, टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर हमारा तीसरा ये था, चौथा हमारा क्या था, इक्वल सेट्स, और पांचवा था इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स क्या, जो ए में एलिमेंट्स है वही एग्जैक्टली बी में हो। जो ए में एलिमेंट्स हैं, ए में अगर 1, 2, 3 हैं और बी में भी अगर 1, 2, 3 हैं तो ए और बी दोनों कैसे इक्वल सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में हो तो इक्विवेलेंट सेट। देखिए स्टूडेंट्स, एंड सबसेट, स्टूडेंट देखें जरा सबसेट क्या था, सबसेट किसे बोलेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे सबसेट्स को। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं स्टूडेंट, सबसेट सिद्धार्थ ने बोला इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, बिल्कुल ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद आता सबसेट, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, जो राइट सब इंस्पेक्टर है वो सारे काम इंस्पेक्टर कर सकता है। सबसेट, सबसेट क्या है, ए इज ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ए के एलिमेंट्स बी में हो। ए इज ए सबसेट ऑफ बी कब होगा ये, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इज इंप्लाइज x belongs to b, वो x जो a में है वो अगर सारे एलिमेंट्स अगर b में भी हो, a छोटा है b बड़ा है, a इज अ सबसेट ऑफ b। सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, स्टूडेंट जल्दी से जवाब दें, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था, अगर a सेट्स में हमारे पास में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे। स्टूडेंट जल्दी से आंसर दें, a सेट में अगर 1 2 3 a सेट दिया हुआ है, एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके बताने हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। वेरी गुड गौतम पांडे, आंसर बिल्कुल सही दिया एकदम, जरा इसका आंसर भी दीजिए। ए सेट दे रखा है 1, 2, 3 और इसके नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बताने हैं, कितने सबसेट्स होंगे, 5 तो सबका सबसेट होता है और एक इट्सेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्सेल्फ। दो इंपॉर्टेंट बातें थी, 5 इज ए सेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्सेल्फ। आंसर 8 टू एन नहीं टू टू दी पावर एन, बच्चों को लिखने में तो दिक्कत हो रही है, टू टू दी पावर एन फॉर्मूला था हमारा। पावर सेट, पावर सेट क्या, अरे जितने सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसको होते हैं पावर सेट। ए के हमने सबसेट बना लिए, 8 सबसेट्स आएंगे और इस 8 सबसेट्स को अगर एक सेट्स के अंदर रख लिया जाए उसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए एंड डिनोटेड बाई पी ए। पी ए, गुड आफ्टरनून रवि। इंटरवल्स नेक्स्ट हमारा था, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, आर के इंटरवल्स, यहां हमने बात की थी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल्स की। और यूनिवर्सल सेट, किसी खास रेफरेंस में जो सबसे बड़े से बड़ा सेट होता है जो सुपर सेट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और आज का टॉपिक है बेन डायग्राम, बेन डायग्राम आज हम पढ़ेंगे 1.8 एंड 1.9, ऑपरेशन सेट्स को कैसे जोड़ते घटाते हैं। हमने पढ़ तो लिया सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के टाइप भी पढ़ लिए, सेट्स को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, अब सेट्स को जोड़ेंगे घटाएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी करेंगे डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे बच्चों डिवाइड वाला कोई ऑपरेशन सेट्स के अंदर नहीं होता। और हम देखें जोड़ना घटाना, हमने बोल तो दिया जोड़ना घटाना, लेकिन जोड़ने घटाने को यहां पर अलग तरह से डील किया जाता है, उसके नाम क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कुछ नाम है, ये सब क्या है एलजेब्रा ऑफ सेट्स में आएगा। लेकिन उससे पहले बात करें बेन डायग्राम, बेन डायग्राम क्या है, एक मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन अपने आप को नहीं कहलाना चाहते, कहलाने देते लॉजिशियन, लॉजिक्स बहुत अच्छे लॉजिक्स देते थे, लॉजिशियन है और उनका नाम था बेन, जॉन बेन। जॉन बेन ने कुछ डायग्राम दिए और डायग्राम दिए उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल सेट्स को आप अगर ऐसे देख लें तो सेट्स थोड़ी हमारी बहुत शानदार हो गई। और ए सेट्स, इसको ए सेट्स को ऐसे बना लिए, सपोज ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स आते हैं 1, 2, 3, एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट्स। और यूनिवर्सल क्या है आपका, यूनिवर्सल आपका क्या होगा, जिसमें कम से कम ये दोनों तो आते हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स आते हों, 1 भी हो 2 भी हो 3 भी हो 5 भी हो 6 भी हो 7 भी हो 8 9, चलो 9 तक लेते हैं, सिंगल डिजिट नंबर ले लेते हैं जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गए जनाब अरे दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई ये स्टूडेंट, मैं आपको नहीं विजिबल हो पा रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ कैमरे की सेटिंग ठीक है नहीं, ठीक है बिगड़ तो नहीं गया हाँ ठीक है यहाँ पर
गॉट द टाइम टेबल ऑफ द दिस लाइव क्लास। स्टूडेंट लाइव क्लास के लिए ध्यान रखिए, मैथ्स की क्लास, मैथ्स की क्लास आपकी 12th क्लास की क्लास 12 बजे हो रही है, और 2 बजे से आपकी होती है 11th क्लास की क्लास मैथ्स की। 11th 12th मैं ही ले रहा हूँ, मैं हूँ अजय कुमार गिरी, आपका मैथ्स मेंटर अजय कुमार गिरी, और बाकी दिल्ली के टॉप 25 एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए? इसी नाम से है KBSRO दिल्ली, KBSRO दिल्ली लाइव, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ जाके देखिएगा, वहाँ आपको सारे वीडियो 25 लेक्चर्स सभी के सभी मिल जाते हैं। पूरे दिन के लेक्चर्स फेसबुक पे जितने हम अपलोड करते हैं, फेसबुक पे लाइव पढ़ाते हैं, उन सबको अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पर, वहाँ मिलेंगे। और मैथ्स के आपको वीडियो लेक्चर तो वहाँ मिलेंगे, और एक प्लेट मैथ्स के लिए और भी है, अपना मैथ्स क्लिनिक, अजय मैथ्स क्लिनिक, अजय मैथ्स क्लिनिक पर जाइए, टाइप कीजिए, और वहाँ जाके आपको एक्स 12th के, 9th के, 10th के, 11th 12th के मैथ्स के बहुत सारे आपको वहाँ वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। वो ऑफलाइन मोड में बनाए गए हैं। कई बार यहाँ दिक्कत आती है, कभी ब्लर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ आपको बहुत नीट एंड क्लीन आपको वीडियो मिलेंगे। देखें जरा वेन डायग्राम, जॉन वेन ने दिया था वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, और बहुत कमाल का था। इसका यूज कहाँ होता है स्टूडेंट? क्लास 10th और 12th की बात पढ़ने के बाद हम जॉब्स के लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सभी कंपटीशन के अंदर लॉजिक्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहाँ पर हम दिखा है कि बहुत सारे काम हम वेन डायग्राम बना के करते हैं, हमारी मैथ्स को आसान कर देता है अगर डायग्राम हम यूज करना शुरू कर दें। तो आगे जितने भी ऑप्शन लगेंगे उसमें हम डायग्राम का यूज करेंगे। देखें कैसे, ए 1 2 3 यहाँ दिखा दीजिए, 1 2 और 3 बी में एलिमेंट्स कितने हैं, और आप देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो यहाँ पर है क्या, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और ये दोनों सबसेट यू के तो होते हैं, तो यू के अंदर यूनिवर्सल के अंदर हमने दिखाया है ए को, और बी भी आपका इससे बड़ा है, तो कैसे दिखाया जाएगा बी, ये सेट है आपका बी, तो 1 2 3 तो बी के अंदर आएंगे, और इसमें और कौन से हैं, इसमें 4 है और 5 है। तो डायग्राम बना के दिखाते हैं तो बड़े अच्छे से फिगर समझ में आ जाती है, समझना आसान होता है चीज़ों को। और देखें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑपरेशन ऑन सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, देखते हैं उसको। स्टूडेंट गला आज भी ठीक नहीं है, जितना तेज बोलते हैं उतना और नुकसान करता है। हाँ अनिकेत, सेट की वीडियो बहुत अच्छी है, थैंक यू। आप देखिएगा वहाँ बहुत तसल्ली से बनाई गई है, यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते, जितना ध्यान आता है उतनी चीज़ें बता पाते हैं, और वहाँ ऑफलाइन बनाते वक्त में हम पूरे ध्यान को उसको स्क्रिप्ट लिखते हैं, पूरे ध्यान से उसको बनाते हैं, तो वो वीडियो ज़्यादा बेटर है, आप उनको देखिएगा, और यहाँ और वहाँ दोनों का आनंद लीजिएगा, दोनों पर आपको दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अनिकेत यूट्यूब पर अजय मैथ्स क्लिनिक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जरा नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, 1.9 आपका है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पर ऑपरेशन कैसे लगेंगे, कि सेट्स को हम जोड़ते घटाते कैसे हैं, तो देखो ये पहला हमारा ऑपरेशन है, इसमें यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का यूनियन, यूनियन क्या होता है, ए और बी दो सेट्स हैं, और दो सेट्स के यूनियन की बात हो रही है, यूनियन क्या होता है, वो भी एक सेट ही होता है, और कैसे डिफाइन किया गया है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट, ये भी क्या है, एक सेट ही है, एंड डिफाइन एंड डिनोटेड बाई is defined and denoted by, किससे नोट किया था, ये A union B, दो स्टूडेंट ऐसे बनता है ये, इसको ये आपका यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल को आप ऐसे दिखाते हैं इस तरह से, ये U बनाया है और यहाँ पर हमने दो लाइन से ऐसे खींच दिए हैं, ये दोनों थोड़ा सा फर्क है इनमें, और यूनिवर्सल और यूनियन ये आपका यूनियन है, ये कप की शेप में बनता है आपका A union B, कैसे डिफाइन किया गया, इसके अंदर क्या आता है, X आता है, और X क्या आएगा, ये भी एक सेट है जिसके अंदर x आएंगे, और x कैसे आएंगे, x या तो a को बिलोंग करते हैं या फिर b को करते हैं, मतलब a और b के टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं, x या तो a का मेंबर है या फिर x b का मेंबर है, या x दोनों को ही बिलोंग करता है, a और b दोनों को करता है, कैसे दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर a कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 ये आता है, b एक सेट है जिसमें 3 4 5 6
ये आता है। हम सारे ऑपरेशंस के लिए स्टूडेंट यही एग्जांपल लेंगे, ध्यान रखिएगा एग्जांपल हमारा क्या है, ए सेट्स में 1 2 3 4 है, 54 स्टूडेंट्स 54 स्टूडेंट्स का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये सभी केवी में इन्फॉर्मेशन गई है। और अभी भी टेंथ का रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा स्टूडेंट, जितना जल्दी आप तैयारी करेंगे उतनी जल्दी आप जेई मेंस एडवांस के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स में सोते रहते हैं और कोई ध्यान नहीं करता है, जेई मेंस एडवांस की बात कोई नहीं करता है। और कब ध्यान आता है, 12th के लास्ट लेग में दिसंबर में जब फॉर्म भरने की बारी आती है तब सोचते हैं कि फॉर्म भरना है और अब तैयारी करनी है। स्टूडेंट उस समय किसी की तैयारी होती नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, फॉर्म भरते हैं, माँ बाप का पैसा खर्च कराते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आपको जेई मेंस एडवांस निकालना है या नीट की तैयारी करनी है तो आज से आपको लगना पड़ेगा, आज से लगेंगे तब कुछ हो पाएगा। इसलिए शुरू हो जाइए, फटाफट पढ़ना शुरू कीजिए, जितना जल्दी सिलेबस को खत्म कर सकते हैं उसको खत्म कीजिएगा। हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा 60 आवर्स में खत्म हो जाएगा, 60 लेक्चर्स के अंदर में। ए और बी ये दो सेट दे रखे हैं, इनका यूनियन क्या होता है आपका, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए में है 1 2 3 4 और यूनियन 3 4 5 6, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स मीन्स ए के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे और ये सारे एलिमेंट्स इसमें भर दिए जाएंगे, ऐसे करके भर दिए जाते हैं सारे के सारे, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ये कौन से आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें भर दिए जाते हैं। ये तो 3 4 तो आ चुका है आपका, इसको रिपीट करते नहीं, सेट्स की डेफिनेशन हमारी ये थी, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो 3 4 आ चुका है, बचा क्या आपका ये 5 और 6, ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब इस इंफॉर्मेशन को हम डायग्राम की हेल्प से कैसे दिखाएंगे, जो जॉन बेन ने दिया था, इन्होंने डायग्राम क्या दे रखा है, ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल यू। अब देखिए ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ए सेट्स में दिखा दिया। बी सेट्स में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 5 6, 3 4 बी में भी आ रहे हैं और यहाँ पर हैं 5 और ये 6, और ए यूनियन बी में क्या आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सभी को सेट कर देंगे, सेट करके दिखाते हैं ऐसे करके। ये जो रीजन है जो मैंने सेट किया है, ये जितना रीजन सेट किया हुआ है, ये क्या है आपका, ये आपका है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका है। ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, देखें जरा आगे। निर्मला गुप्ता पूछ रही हैं, सर जेई एंड नीट कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स, अभी आपको लगता नहीं है कंपलसरी है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बिल्कुल चिंता ही नहीं होती हमारी कि 12th के बाद हम जाएंगे कहां पर, हमने अपने फ्यूचर डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनना चाहते हैं, 12th के बाद सोचते हैं, लेकिन ध्यान रखिए तब बहुत लेट हो चुके होते हैं क्योंकि इतना कंपटीशन है। ध्यान करिएगा पूरे इंडिया के अंदर 18 लाख स्कूल्स हैं और हर स्कूल में 3-3 टॉपर्स हैं। अगर आप अपना कॉलर ऊंचा करके चल रहे हैं, 95-96 मार्क्स ला रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप जैसे लाखों स्टूडेंट्स हैं, 18 लाख स्कूल के अंदर हर स्कूल में 3-3 हैं और उनकी सबकी दौड़ है, सीट्स हमारी लिमिटेड हैं, चाहे एम्स की बात करें या जेई मेंस एडवांस की बात करें, वहाँ सीट लिमिटेड हैं और लिमिटेड सीट में तो वहाँ पर कुछ ही लोग वहाँ पर सीट को पा पाते हैं और वही पा पाते हैं जो आज से तैयारी करना शुरू करेंगे। इसलिए आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स। गला बहुत खराब है, देखिए जरा देखा जरा। अब दूसरा ऑपरेशन इसका क्या है, बी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट्स हैं उसका इंटरसेक्शन आपको कैसे डिनोट किया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से डिफाइन किया गया है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का नोटेशन है हमारा ये कैसे बनता है, यहाँ पर हमारा ये कप की शेप का बना हुआ था और इसको उल्टा कर दिया गया, इसको रिवर्स कर दिया गया, तो बन गया क्या, ये ए इंटरसेक्शन बी। इसको रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन एक सेट ही होता है और कैसे डिफाइन किया गया, इस तरह से। इसके अंदर क्या आता है, एक्स आता है, एक्स कैसा है, एक्स ए का मेंबर है एंड एक्स बी का मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में दोनों में कॉमन होंगे, जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे। जैसे कि हमारे सामने ए और बी आपके सामने थे, ए और बी आपके दे रखे हैं, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ए में एलिमेंट्स हैं 1
1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन 3, 4, 5, 6, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? अरे 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, तो यही यहाँ पर टिक पाएंगे बस, बाकी तो सब नीचे गिर जाएंगे। तो 3, 4, इसमें क्या आता है, इसमें सारे भर दिए जाते हैं, ऐसे करके भर जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये इनका क्या है, इंटरसेक्शन, ऐसे अगर ये आएंगे भी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ क्या आएंगे, केवल 3 और 4, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, वो है टिक पाएंगे, बाकी सब धड़ नीचे गिर जाएंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, केवल 3, 4, ये बात समझने की थी। 3, 4 क्या हुआ सर, कैन यू एक्सप्लेन यूनियन ऑफ सेट्स अगेन? स्टूडेंट, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है ए और बी, ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं इसको, और ए के और बी के टोटल एलिमेंट्स आते हैं, ए सेट ये दे रखा है, बी सेट ये दे रखा है, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इसमें और इसके टोटल एलिमेंट्स, ए के भी टोटल एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, इन दोनों के टोटल एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी में। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, वो तो आएंगे, बी के भी कितने हैं 3, 4, 5, 6, वो भी आएंगे, लेकिन 3, 4 आपका रिपीट हो रहा था तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में हैं या फिर बी में हैं या दोनों में हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, केवल कॉमन एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स। तो देखें कैसे दिखाते हैं इसको, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये 1, ये 1, ये 2, यहाँ 3 है, ये 4 है, और यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स तो यहाँ पर था 3, 4, ये केवल, ये वाला जो रीजन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए इंटरसेक्शन बी से, ए इंटरसेक्शन बी से। स्टूडेंट एक और ऑपरेशन इसके अंदर देखा है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं, ए बी सी। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस, ए माइनस बी, ए माइनस बी, स्टूडेंट देखें जरा, ए माइनस बी, स्टूडेंट मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर, जिस मोबाइल पे मैं देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। इट मीन द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, बहुत अच्छा जगमोहन शर्मा जी, एंड द कॉमन एलिमेंट्स बींग टेकन आउट वंस। कॉमन एलिमेंट्स को हमें केवल एक ही बार लेना होता है, ये तो सेट्स की पहचान है, ये सेट्स की प्रॉपर्टी है कि उस एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, 3 और 4 रिपीट आ रहे थे उसको एक ही बार लिखते हैं, और ए और बी के टोटल एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए जाएंगे। तो ये हमारा ये होगा पायल सचदेवा, यस ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ जिस पर देख रहा हूँ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपके कमेंट्स तो आ रहे हैं आरदीप गुलाटी। यहाँ देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ए माइनस बी कैसे डिफाइन किया गया है, ए और बी दो सेट्स हैं और उनका डिफरेंस किससे डिनोट किया जा रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे डिफाइन किया गया, इसके अंदर क्या आएगा, एक्स आएगा, वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के मेंबर तो हैं बी के नहीं हैं, ए के हैं बी के नहीं हैं, मीन्स 1, 2, कैसे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ क्या लिखा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। देखें ध्यान से, ए माइनस बी, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, हमारा एग्जाम्पल वही चल रहा है, ए और बी हमने वही ले रहे हैं, माइनस बी में है 3, 4, 5, 6, तो इससे इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3, 4 कैंसिल हो गए, ये माइनस हो गए, और आएगा क्या आपका, ए के एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं है। क्या बता रहा हूँ मैं, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के हुए एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उनका कलेक्शन, कौन कौन से हैं, 1 और 2, ये आपका ए माइनस बी है। अगर कोई आपसे पूछता कि बी माइनस ए बताइए, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी के एलिमेंट्स, ये हो जाएगा 5, 6, और अगर डायग्राम से अगर दिखाना है तो ए ये है और बी ये है, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम ए माइनस बी, और इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है केवल बी का, वो वाला पोर्शन जिसमें ए नहीं है, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चंस को, बहुत आसान है, फटाफट क्वेश्चन करते चले आइए। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक उठा लीजिए फटाफट और देखते हैं 1.4 एक्सरसाइज,
ये फोर्थ लेक्चर है, इसमें 1.4 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें यूनियन बताना है। x एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर है 1, 3, 5, y एक एलिमेंट एक सेट है 1, 2, 3। स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं हमसे, x यूनियन y। तो x यूनियन y का मतलब क्या होगा, x यूनियन y का मतलब यूनियन का मतलब समझा था, x यूनियन y, यूनियन के अंदर क्या आते हैं, इन दोनों सेट्स के टोटल एलिमेंट्स आते हैं। क्या आएंगे ये, इसमें आएंगे x के भी एलिमेंट्स आएंगे और y के भी आएंगे। x में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, लिख लीजिए 1, 3, 5, ये तो आएंगे आएंगे। अब देखिए 1 यहाँ आ चुका है हमारा पहले, 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 नहीं आया था 2 को लिख लें, 3 भी पहले आ चुका है 3 को नहीं लिखेंगे, तो केवल इसमें एलिमेंट्स कितने आए, ये हमारे 4 ही एलिमेंट्स यहाँ पर आए। इस तरह से निकालते हैं, ये x दिया हुआ है, वाई दिया है, इनका क्या निकालना है हमें, यूनियन। तो दोनों के टोटल एलिमेंट्स कंबाइंड जितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ए और बी में सारे लिख देंगे हम यूनियन के अंदर। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, केवल कॉमन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, एक्स और वाई दे रखे हैं तो इसका इंटरसेक्शन भी बताइए। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो स्टूडेंट क्या होगा, एक्स और वाई के इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो यहां पर टिकेंगे, यहां तो इसमें तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते थे, इसमें सारे एलिमेंट्स, यहां पर क्या होगा, एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1 यहां पर है तो 1 आ गया, 3 यहां पर है तो 3 आ गया, ये आपका आ गया इंटरसेक्शन। ये हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 5। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों सेम दे रखे हैं, 1 में पूछा गया है यूनियन और 5 में पूछा गया है इंटरसेक्शन। ये पायल ने बताया 3 नहीं है। अच्छा आप मुझसे आगे पूछ गए, 3 नहीं है इसमें के अंदर, 1 और 3 दोनों हैं। आगे जल्दी चल रहे हैं फटाफट, सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये है ए ई आई ओ यू और एक बी सेट है जिसके अंदर क्या आता है, ए बी सी। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट, मुझसे जल्दी नहीं, मेरे साथ साथ चलो। ए और बी के हमें क्या बताने हैं, यूनियन मींस टोटल एलिमेंट्स। अरे यूनियन का मतलब क्या है, अगर आपको सिंबल नहीं समझ में आया, पहली बार सुना है, तो ध्यान रखना ये कप की शेप का बना हुआ है, ए के सारे एलिमेंट्स में आ जाएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स में आ जाएंगे। तो ए और बी के सारे एलिमेंट, ए ई आई ओ यू, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, अब बी के लिख दो, ए रिपीट हो चुका है, रिपीट करेंगे नहीं इसको, बी और सी, तो टोटल 7 एलिमेंट्स आ गए यहां पर। अगर इसका इंटरसेक्शन पूछते ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर कौन टिकेगा, यहां कौन टिकेगा, अरे ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो यहां पर रुकेंगे, बाकी तो सब धर 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 नीचे गिर जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट, यूनियन मींस टोटल एलिमेंट्स। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो ए आ गया और कुछ भी नहीं है, केवल इतना है। स्टूडेंट ऐसे करना है, थर्ड एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3, एक्स एक नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, और ए यूनियन बी, एक्स एक नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर है, तो 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 3, 6, 9, 12, ये सारे ए में हैं। और बी सेट क्या देखा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, और बी में कितने हैं, 6 से लेस देन नंबर कौन से हुए, 1, 2, 3, 4, 5, उनके यूनियन में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो आएंगे। और साथ में कौन से आएंगे, 3 के मल्टीपल्स कितने थे, 6 भी था, 9 भी था, 12 भी था, 15 एंड सो ऑन। अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन कितने हैं, बी सेट में केवल मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ए में कौन से हैं, 3 के मल्टीपल्स, तो ए में है 3 है, 6 है, 9 है, बी में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ओनली थ्री। देखें स्टूडेंट्स, ओनली 3, नाइस पॉइंट, देव गंभीर, गौतम पांडे, 3, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। देखिए अगर आप इस तरह से लाइव इंट्रैक्शन करते हैं तो वाकई में पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं जरा रब करें इसे और फिर आगे बढ़ते हैं। देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए इक्वल टू दे रखा है ए बी और बी सेट में दे रखा है ए बी सी, ए बी सी। हम जब पूछ रहे हैं क्या, हाँ अनिकेत सिंह, हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू अनिकेत। स्टूडेंट पूरी कोशिश हम करते हैं, कुछ स्टूडेंट को पसंद आता है कुछ को पसंद नहीं आता। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ए आपका दे रखा है ए बी और बी सेट्स के अंदर क्या है ए बी सी। क्या पूछ रहे हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए बी का सबसेट है, नहीं है तो नहीं है। ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ए ये यहाँ पर है, बी भी है, बी भी यहाँ पर है, ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ बी कब होता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए दिस इज इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर वो एक्स जो ए में है वो भी एक्स अगर बी को बिलोंग करें, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट में पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, तो यहाँ तो यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आगे देखें, अब पूछ रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है यहाँ पर, ए और बी के टोटल एलिमेंट्स ए बी ये तो आएंगे आएंगे ए बी, फिर ये रिपीट नहीं करना, ये रिपीट नहीं करना, एक बचा सी ये आ गया, तो ए यूनियन बी कितना आ गया ए बी से आया। ए बी से ध्यान देखो इन दोनों में से कौन सा सेट है, इन दोनों में से आपका बी सेट है, तो क्या आ गया ए यूनियन बी कितना आ गया बी। अब इसमें ध्यान से नोट करें स्टूडेंट्स, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ट्रू गौतम। यहाँ देखें जरा, ए सेट है बी सेट है, ए अगर बी का सेट है तो ए छोटा है बी बड़ा है, जब उनका यूनियन निकालेंगे तो बड़ा वाला सेट बी आएगा, और अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो छोटा वाला सेट ए आएगा। कब? जब ए बी का सबसेट है। अगर यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स कौन से आते, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है तो ए आएगा, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है तो बी आएगा, तो ये आया आपका ए इंटरसेक्शन बी। और ये है क्या, ध्यान से देखिए, ये तो ए सेट है, ये ए सेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी छोटा वाला सेट, ए यूनियन बी बड़ा वाला सेट। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर से यही पूछा गया है, थर्ड में ये बात पूछ रही है, ए और बी टू सेट्स हैं और इसमें दे रखा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हमसे क्या पूछ रहे हैं ये कि ए यूनियन बी क्या होता है, अरे ए यूनियन बी में क्या आएगा, बड़ा वाला सेट, बड़ा वाला सेट कौन सा है, बी है, ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फोर दे रखा है आपको, यूनियन इंटरसेक्शन आपको निकालने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर भी, फाइव हमारा हो गया है, सिक्स में भी यही बात है, सेवन भी यही है। आगे देखें डिसजॉइंट, हाँ डिसजॉइंट्स की बात आ गई हमारी, डिसजॉइंट्स को देखें जरा, वॉचिंग मीन्स बी इज यूनिवर्स, साजन यादव बी इज ए यूनिवर्सल सेट, कहाँ पर, अगर ए छोटा है बी बड़ा है तो ऐसा नहीं है, बी को हम बोल देंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, हाँ ए सबसेट है, बी क्या है सुपर सेट है, बी यूनिवर्सल सेट नहीं है इसमें। ये एक स्टूडेंट ने देखा ये बी यूनिवर्सल लिखा था, गलत है वो, ए और बी के रेफरेंस में कोई और बड़े से बड़ा सेट होगा उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर कम से कम ये ए बी ये एलिमेंट्स आ रहे हों। तो यहाँ पर क्या है, ए सबसेट है और बी सुपर सेट है, यूनिवर्सल होने के लिए कम से कम एक दो एलिमेंट, एक दो सेट्स और होने चाहिए। देखें जरा यहाँ पर, अब आपका एक और पॉइंट्स, हमारा 1. क्या चला था, 1.8 हमारा क्या था आज, वेन डायग्राम 1.9 था, ऑपरेशन ऑन सेट्स, और 1.10 डिसजॉइंट सेट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है डिसजॉइंट सेट्स, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पावर सेट पर आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे डिसजॉइंट सेट पर भी क्वेश्चन हमारे पास जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, दो सेट्स को बोलेंगे डिसजॉइंट्स, दो सेट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, पर्सनल सेट नहीं, या अनिकेत बी सुपर सेट, पावर सेट, हाँ पायल पावर सेट को समझिए, पावर सेट क्या है, आज हमने डिस्कस किया था पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, अगर ए देखो यहां देख लें जरा स्टूडेंट, पावर सेट को समझ लें, अगर ए सेट्स में एलिमेंट्स हैं 1, 2 तो नंबर ऑफ सबसेट,
क्या होता है, टू टू द पावर एन। तो टू टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने, टू हैं, कितने आएंगे, फोर। तो इसके सबसेट्स कौन से होंगे, फाइव, और एक एलिमेंट्स वन वाला सेट, एक एलिमेंट्स टू वाला सेट, और एक इटसेल्फ वन टू। इसके चार सबसेट्स आएंगे, और चार सबसेट हमने यहाँ लिखिए, और ये चारों के चारों कैसे हैं, इसके सबसेट हैं। प्रॉपर सबसेट कौन से हैं, एक इसको छोड़ दिया जाए तो इस सारे के सारे वन टू थ्री क्या है, इसके प्रॉपर सबसेट हैं, और सबसेट फोर हैं। तो इस फोर सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा, इन सबका जो सेट होगा, इन सबका जो सेट होगा उसको बोलते हैं पावर सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट। ए पावर सेट, जगमोहन शर्मा कलेक्शन, बिल्कुल जगमोहन शर्मा ने बोला है ये, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। एक सेट देखा है, इसके सबसेट हमारे ये हैं, इन सबका कलेक्शन क्या होता है, पावर सेट। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, दो सेट्स ऐसे ए और बी, उनको डिसजॉइंट बोलेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। फाई मीन्स उनका कुछ कॉमन ना हो। टू सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, मींस ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए और बी को बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट्स हैं 4, 5, ये एलिमेंट्स हैं ए और बी में, तो आप देखेंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इन दोनों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, यूनियन का मतलब टोटल एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कोई नहीं है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स एक भी नहीं है, तो खाली रह जाएगा। खाली मीन्स क्या हुआ आपका, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ गया तो क्या है आपका, ए एंड बी ये कैसे हैं, ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स हमारे ए और बी। अब देखें 1.10, ये हमारी डेफिनेशन थी, इसी पर बेस आपके अगले तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले माइनस भी दे रखा है और देखें जरा, फाई कंपलसरी है क्या पावर सेट में, यस तृप्ति, फाई कंपलसरी है, क्योंकि फाई हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, और वो सबसेट होता है सभी सेट का, सभी सेट का फाई सबसेट होता है। और पावर सेट के अंदर क्या आता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, तो ऑल सबसेट की श्रेणी में हमारा फाइव भी आता है, तो फाइव भी हमारे पावर सेट के आएगा। आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 10, यहां देखा है ये एक्स, एक्स के अंदर है ए बी सी डी, और वाई, वाई के अंदर है एफ बी डी जी। इसमें देखें डिफरेंस को बात की जा रही है यहां पर, ये एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब क्या होता है, एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में नहीं है, लिख लो यहां पर ये ए बी सी डी, एक्स है माइनस एफ बी डी जी, ये हुआ। अब इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, बी सो बी कैंसिल हो गया, डी सो डी कैंसिल हो गया, तो दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो आएगा कितना आपका, अरे इन दोनों में क्या बचा है आपका, ये ए सेट्स के बचे हुए एलिमेंट्स ए और सी, ए और सी। x माइनस वाई का मतलब होता है x के वे एलिमेंट जो y में नहीं है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, a और c। x आपका ये सेट था इसमें a b c d थे, तो x के वो एलिमेंट्स आएंगे x माइनस वाई में जो b में नहीं है, b में कौन से नहीं है, अरे a और c नहीं है, बाकी b और d तो इसके यहाँ पर थे। पहले वाले सेट्स के वो एलिमेंट्स आएंगे a माइनस बी करने पर, a सेट्स के वो एलिमेंट्स आएंगे जो b में नहीं है, तो आपके ये माइनस हो गए, कॉमन एलिमेंट्स माइनस हो गए, बचा कितना, ए सी। ऐसे अगर हमसे y माइनस एक्स पूछा गया इसमें, तो ये क्या आपका क्या है, ये एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी, तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, b और d, b और d कैंसिल हो गया, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, बचे कौन से एलिमेंट्स हैं आपके, f एंड g, तो आंसर आ गया आपका ये एफ जी। अब एक और पूछा गया शायद इसमें, एक क्वेश्चन और है, इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अरे जो कैंसिल कर रहे थे वही तो कॉमन है, बी और डी कॉमन है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। देखें स्टूडेंट्स, इट इज डिसजॉइंट्स,
डिसजॉइंट्स किसकी बात हो रही है, ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट कौन से होते हैं, ए और बी डिसजॉइंट तब होंगे जब ए और बी में कुछ कॉमन ना हो, यहाँ तो कॉमन है हमारे बी और डी। देखें स्टूडेंट्स आगे, स्टूडेंट्स 5 मिनट और फटाफट रिकॉल करते हैं इसमें, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट क्लास और है अभी हमारी। देखें जरा, ये डिसजॉइंट किसको बोला जा रहा है बार बार, एक बार एक्सप्लेन कर दिया अनिकेत सर, फाइ इज नॉट प्रॉपर। सज्जन यादव, फाइ इज नॉट प्रॉपर। दो स्टूडेंट यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें दे रखा है प्रॉपर सबसेट्स की बात। प्रॉपर सबसेट्स के लिए वहाँ केवल एक लाइन लिखी हुई है कि जो सेट ए सेट्स के जितने भी सबसेट्स हैं और वो सबसेट्स अगर ए के इक्वल नहीं हैं, उनमें से जो ए के इक्वल नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो ए में से ए को ही माइनस किया गया है केवल, अगर ए सेट्स में आपके दो एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे, 2 की पावर 2 4 आएंगे, और उसमें 5 होगा, एक वन एलिमेंट्स वाला, एक टू एलिमेंट्स वाला, और इट्स सेल्फ को निकाल दिया जाए। ये डेफिनेशन देखिए एनसीईआरटी में, जबकि ये देखो सज्जन यादव, 5 इज नॉट प्रॉपर, 5 इज नॉट प्रॉपर। सज्जन ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है सज्जन यादव ने, लेकिन ये मैं समझता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी जो हमें बोली है हमें उसको फॉलो करना है। एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं बोला है कि 5 इज नॉट प्रॉपर, ठीक है ना। प्रॉपर सेट्स के, प्रॉपर सबसेट्स के अंदर 5 को भी शामिल किया गया, केवल किसको शामिल नहीं किया गया है, ए सेट्स को शामिल नहीं किया गया है। प्रॉपर सबसेट्स के अंदर इटसेल्फ ए सेट्स को शामिल नहीं किया है, तो इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उससे एक कम आपके प्रॉपर सबसेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट, अनिकेत डिसजॉइंट सेट वो सेट, दो सेट्स को बोलते हैं, एक सेट को डिसजॉइंट नहीं बोलते, ए और बी दो सेट डिसजॉइंट्स होंगे अगर ए और बी में कुछ कॉमन ना हो, तो डिसजॉइंट्स हैं। हम डिसजॉइंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 डिसजॉइंट्स के ऊपर ही है, 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दे रखा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ले लें आप, ये एक्स इज दैट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड 4 से बड़ा है एक्स और छोटा है 6 से छोटा है। स्टूडेंट ध्यान दें यहां पर, ये इस सेट में कौन से मेंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर है जो 4 भी है और 6 भी है और उनसे उनके बीच में है, तो कौन से आएंगे इसमें, इसमें आएगा 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, इस सेट्स के अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे। और यहाँ देखें, यहाँ भी हमारा 1 2 3 4 है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। अगर कॉमन आ गया है तो ये दोनों कैसे हैं, कॉमन अगर एलिमेंट्स आ जाता है तो डिसजॉइंट नहीं है। दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट्स, दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट क्या होता है, टू सेट्स आर ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ उनका इंटरसेक्शन पाई हो, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो ए और बी डिसजॉइंट्स हैं। इसी का देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, ये दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर इंटरसेक्शन, और x such that x is an odd integer। तो यहां पर है odd integer, यहां even integer, odd और even में कुछ कॉमन नहीं होता, तो इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया है तो क्या आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग, 5 आएगा। तो ये दोनों सेट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, दीज आर डिसजॉइंट्स, दीज आर डिसजॉइंट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, वो दो सेट्स को डिसजॉइंट बोलेंगे जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। हाँ, थर्ड वाला हमारा क्या है, ये डिसजॉइंट्स है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, यह देखें आर माइनस क्यू, आर क्या है, आर एक सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करने तो बचेगा क्या, रियल नंबर होता क्या है, रैशनल और इरेशनल का कंबाइन, रैशनल इरेशनल को दोनों को जोड़ के बनाते हैं हम रियल नंबर का कलेक्शन, और उसमें से अगर हमने रियल रैशनल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल, सॉरी स्टूडेंट मैं गलत बोल गया शायद,
रैशनल नंबर कैसे बनता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर में से अगर माइनस कर देंगे हम रैशनल नंबर तो क्या बचेगा? इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, इरेशनल माइनस करेंगे इसमें से ये तो बचेगा क्या? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका तो डिसजॉइंट्स के ऊपर ही दे रखा है। स्टूडेंट अपनी बुक में देखिएगा, अपनी बुक में देखिएगा, ये दे रखा है आपको डिसजॉइंट्स, पहला वाला दे रखा है फर्स्ट, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, ये 2, 3, 4, 5 एंड यह है 3, 6, ये कह रहे हैं कि ये आर डिसजॉइंट्स, डिस जॉइंट ऐसा बताएगा कि ये स्टेटमेंट दे रखा है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, एक सेट ये एक सेट ये है, ये बता रहे हैं डिसजॉइंट्स हैं। देखिए 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ये 3 और 3 क्या आ गया? कॉमन आ गया, अगर कॉमन आ गया तो फिर डिसजॉइंट्स नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो होते हैं डिसजॉइंट्स, कॉमन आ गया डिसजॉइंट नहीं है, ये लिख रहे हैं डिसजॉइंट्स हैं, इसका मतलब इनकी बात गलत है, क्या है ये? फॉल्स, फॉल्स है। ऐसी सेकंड देखें, ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी आर डिसजॉइंट्स, इसमें भी क्या है? ए कॉमन है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स है। 2, 6, 10, 14 और दूसरे वाला सेट में 3, 7, 11, 15 12 का थर्ड पार्ट में देखें, दोनों सेट्स में हमारा कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ट्रू है, इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा। फोर्थ में क्या है? 2, 6, 10 और 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट्स, हाँ ये डिसजॉइंट्स हैं क्योंकि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, और फोर्थ भी गुलाटी बोल रहा है ट्रू। आप मुझसे पहले बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, इस वक्त समझ में आता है तो हमारी स्पीड तेज़ हो जाती है। अगला टॉपिक हमारा है 1.11, हमने 1.10 कर लिया है, 1.11 हमारा चलेगा कल की क्लास में, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये बात हम करेंगे। 4 फॉल्स, अनिकेत कौन बोल रहा है फॉल्स? 2, 6, 10 और 3, 7, 11 अनिकेत, 4 हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो फॉल्स नहीं है, ट्रू है, क्योंकि 2, 6, 10 और 3, 7, 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट्स हैं, और यही लिखा हुआ है कि ये डिसजॉइंट्स हैं तो ट्रू स्टेटमेंट है। अनिकेत करेक्ट करो इसे कि फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? डिसजॉइंट्स है तो ट्रू है। स्टूडेंट ये था, एक बार देखें, टाइम भी हमारे 5 मिनट ओवर हो गया है तो आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं कि और क्वेश्चंस भी बना के आपको सीट्स की फॉर्म में दिए जाएं, जो फेसबुक लाइव पर भी आपको मिल जाएंगे, के वी शालीमार बाग, ध्रुव श्रीवास्तव, ठीक है। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको देखने ऑफलाइन मोड में भी देखने हैं यूट्यूब चैनल हमारा, यही यूट्यूब चैनल है KVS RO दिल्ली लाइव 1, इस पर जाके आप देखेंगे सारे आपको ये मिल जाएंगे, और इन्हीं को मैंने बना रखा है अलग से AMS क्लिनिक, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, और भी आपको वहाँ पर क्लासेस के लेक्चर मिल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गुलाटी, थैंक यू राठौर, थैंक यू प्रिया, AMS क्लिनिक टाइप कीजिएगा, AMS क्लिनिक आ जाएगा, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सर, ओके आर्यन, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।